प्रभावशाली मगर एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रभावित, नैना क्षेत्र में पीने के पानी के लिए सिड़कों, नए संसाधनों को निर्माण करने वाली है। नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अड्डा प्रभावित क्षेत्र नैना में पीने के पानी के लिए सिड़कों, नए संसाधनों को निर्माण करने वाली है। इसी के साथ सिड़कों ने रायगढ़ जिले में बंद पड़े हुए जल सिंचन योजना और नई बांध संसाधनों की खोज शुरू कर दी है। इससे पहले सिड़कों ने राज्य सरकार के आदेशों से हेटाउने, बाणगंगा और कोंढाने बांधों को वित्त पुरवठा किया है, लेकिन बांध का पानी सिड़कों क्षेत्र में पर्याप्त नहीं मिलता, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मार्च में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्रों को अब ऑनलाइन टिकट 8 से मिलने वाला है। मार्च में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्रों को बुधवार से ऑनलाइन हॉल टिकट मिलने वाला है। माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से प्रवेश पत्र वितरित किए जाने वाले हैं। संबंधित छात्रों को स्कूलों द्वारा ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्रदान किए जाएंगे। शिक्षण महामंडल की वेबसाइट पर स्कूल लॉगिन से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुंबई शहर की कानून व्यवस्था अधिक प्रभावी करने के लिए शहर में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे बिठाने की राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई शहर की कानूनी व्यवस्था अधिक प्रभावी करने के लिए, साथ ही शहर में सड़क यातायात को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए 5625 अतिरिक्त कैमरे लगाने का गृह विभाग के प्रस्ताव को राज्यमंडल की ओर से मंजूरी मिली है। मुंबई शहर सीसीटीवी मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट की वजह से वाहतूक के नियमन करते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद होगी और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों के कारण इस क्षमता का अधिक विस्तार होगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। हज यात्रा के लिए इस वर्ष पहली बार 2340 महिलाएं अकेले हज यात्रा जाने वाली है। हज यात्रा के लिए इस वर्ष पहली बार 2340 महिलाएं अकेले हज यात्रा पर जा रही है, ऐसी जानकारी अल्पसंख्यक मंत्री इन्होंने दी है। हज यात्रियों को प्रशिक्षित करने वाली प्रशिक्षकों के लिए मुंबई में 2 दिवसीय कार्यशालाएं शुरू की जाएगी। इसी के साथ इस साल की हज यात्रा अगस्त में शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल हज यात्रा के लिए देश भर से कुल 2,78,000 आवेदन आए थे, उनमें से 1,64,902 आज ऑनलाइन आए हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। महापालिका प्रशासन ने प्लास्टिक बंदी शहर में काफी अमल किया है, लेकिन अब तक कुछ जगहों पर प्लास्टिक थैलियां इस्तेमाल करने का चित्र दिखाई दे रहा है। राज्य शासन ने प्लास्टिक पर बंदी लाने पर महापालिका प्रशासन ने शहर में इस पर काफी अमल किया, लेकिन अब तक कुछ जगहों पर प्लास्टिक थैलियां और अन्य वस्तु मिल रहे हैं। काफी जगहों से बड़ी मात्रा में बंदी लाए प्लास्टिक थैलियां, अन्य वस्तु हस्तगत करके वो जब्त करना और संबंधितों पर कार्रवाई करना नई मुंबई पालिका प्रशासन ने शुरू किया है। और एपीएमसी प्रशासन ने प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़कर 2 दिन में 1500 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त करके 35,000 रुपयों का दंड वसूल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। नवी मुंबई महापालिका शिक्षण डिवीजन द्वारा छात्रों के लिए गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की तहत सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पोषक वातावरण और सुविधा उपलब्ध किए हैं। नई मुंबई महापालिका शिक्षण विजन द्वारा छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरह सर्वांगीण विकास के दृष्टि से पोषक वातावरण और सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस वजह से हर साल महापालिका पाठशालाओं की पट संख्या लक्षणीय रूप से बढ़ रही है। इसी के चलते अब डिजिटल शिक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और महापालिका आयुक्त डॉक्टर रामास्वामी एन इनके संकल्पना से पालकों को छात्रों के स्कूल से जोड़ने के लिए एनएमएमसी एडू स्मार्ट ऐसा अभिनव मोबाइल ऐप शुरू किया है। नई मुंबई महापालिका पाठशाला में पढ़ रहे छात्र और उनके पालक इनका नियमित रूप से संवाद हो, इसलिए एनएमएमसी एडू स्मार्ट इस ऐप का निर्माण किया गया है और इसका शुभारंभ 26 जनवरी को किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में इतना ही, नमस्कार।